सभी लोग परिवार से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपसे क्या कहने के लिए आई हूँ? मैं ये कहने आई हूँ कि जो भी मैंने आपको कहानियाँ, कविताएं और जहाँ से बातचीत की है उसे आज हम दोहराएंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या बातचीत करी, क्या क्या सुना, कौन कौन से चित्र देखे, कौन कौन सी कहानियाँ देखी सुनी और कौन कौन सी कविताएं सुनी, आज हम सब दोहराएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हमने वायरस कोरोना COVID-19 के बारे में जाना था, जो इस समय भी हमारे देश में फैला हुआ है। थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी हमें सावधानियां बरतनी है। सावधानियां क्या थी? हमेशा मास्क लगाए रखेंगे, दूसरा बार बार साबुन से हाथ धोएंगे, तीसरा 2 गज की दूरी में बनाकर रखेंगे, भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाएंगे, चौथा 18 साल से ऊपर आपके घर में भी कोई होगा या अड़ोस पड़ोस में है, सभी लोग वैक्सीन टीका लगवाने जाएंगे। फिर धीरे धीरे बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ रही है, फिर बच्चों को भी लगेगी और कोरोना फुल चला जाएगा। सावधानी नहीं छोड़नी, हमेशा सावधानी बनाए रखनी है। उसके बाद हमने आपको क्या कहा था? एक कहानी सुनाई थी, हाथी की हिचकी। देखिए पिक्चर, याद आ जाएगा आपको? याद आया? कहानी के बाद हमने आपको कुछ जंगली जानवर और कुछ पालतू जानवरों के बारे में बताया था। चलिए, जंगली जानवरों के बाद हमने एक और कहानी सुनी। क्या थी वो? सांप और चींटी। सांप और चींटी में चींटियों ने मिलकर सांप का मुकाबला किया और सांप को भगा दिया। तभी कहते हैं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। चींटियों ने मिलकर डटकर मुकाबला किया और सांप को भगा दिया। सुनी थी ना कहानी? देखिए उस कहानी की पिक्चर्स। याद आई? आ गई। कहानी के बाद हमने क्या था? कविता सीखी थी और कविता के साथ साथ हमने गिनती भी सीख ली थी 1 से लेकर 10 तक। कौन सी कविता थी वो? 1, 2, 3, 4। आज सीखेंगे नया पार्ट, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8 याद रखेंगे सारे पार्ट। इसके आगे 9 और 10, इसके आगे 9 और 10 गिनती होगी पूरी। गिनती भी सीखी, फिर उस गिनती के माध्यम से हमने कविता और सीखी। कविता का नाम था राजा का बेटा। राजा का बेटा भी 10 दिन में ठीक होता है। सुनी थी ना? और 10वें दिन तो ठीक होने के बाद वो दौड़ भी लगाता है और कूद भी मारता है। आपने भी बहुत मस्ती करी ना? ऐसे ही राजा का बेटा भी मस्ती करता है। राजा के बेटे के पास हमने फिर क्या किया था बताइए जरा? याद आया? हाँ, सही कहा। कविता थी हमारी नन्ही चिड़िया, बाग में रहती थी। अपने दोस्तों के साथ उसने जन्मदिन मनाया था।
क्या कविता थी याद है आपको? सुनाओ तो। नन्नी नन्नी प्यारी चिड़िया, रंग बिरंगी न्यारी चिड़िया, फुर फुर उड़ती प्यारी चिड़िया, ची ची करती न्यारी चिड़िया, प्यारी चिड़िया न्यारी चिड़िया। सही कहा, नन्नी नन्नी प्यारी चिड़िया, सुनी थी ना? तो हमने आपको इतनी कुछ कही और फिर मेरे दो साथियों ने भी आपको समय समय पर कहानियां सुनाई, आपसे बातचीत की, तो ये सब आपको याद रखना है। विद्यालय आने पे हम आपसे पूछेंगे आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, क्या क्या समझा, यही आपका अभ्यास है। और इसके बाद अब हम आगे जाकर पढ़ना सीखेंगे। हाँ, कैसे सीखेंगे भाई? जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जो शब्द हम आपसे बोल रहे हैं, उन शब्दों का भी परिवार होता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। तो अगले कक्षा में हम आपको वर्णमाला के परिवार से मिलाएंगे और उनके कुछ सदस्यों से आपका परिचय कराएंगे कि वो कैसे बातचीत करते हैं। आज तो बस इतना ही। आप अपनी सारी कहानी कविताएं जो आप हमसे सुन रहे हैं उन्हें याद रखेंगे, बार बार देखेंगे, पेंसिल चलाना भी पकड़ के सीखेंगे। देखिए, जैसे मैंने पेंसिल को तीन उंगलियों से पकड़ा है, 1 2 3, पेंसिल को कस के पकड़ेंगे और नोटबुक में अपना हाथ रखेंगे और पेंसिल को नीचे की तरफ खींचेंगे, एक लाइन बनाएंगे ऐसे, फिर गोला भी बना सकते हैं आप, गोल बनाइए, आधा गोल बनाइए, आधा गोल बनाइए, यहाँ कर सीधी रेखा खींचिए, टेढ़ी रेखा खींचिए, सब बना दो। आपको ऐसे ही पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है, बार बार पेंसिल पकड़कर। जब आपको पेंसिल पकड़नी आ जाएगी बढ़िया से, तो आप लिखना भी सीख जाएंगे। इसलिए रोज आपको अपनी नोटबुक में पेंसिल से रेखाएं खींचनी हैं, अंडे बनाने हैं गोल गोल, फिर आधा अंडा भी बनाना, आधा आधा, नीचे से भी आधा। ठीक, समझ गए? ये आपका अभ्यास है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, खेलिए कूदिए मस्ती कीजिए, थोड़ा सा समय पढ़ाई में भी दीजिए, वीडियो भी देखिए। गुड बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।